चित्रकूट 18 मार्च कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण काल पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से एक बार फिर योग अभ्यास की सारी कक्षाएं फिर से प्रारंभ होंगी। इसके लिए सभी जिला तहसील ब्लॉक इकाइयों को क्रियाशील करने के लिए हरिद्वार से आए योग गुरु बाबा रामदेव के प्रतिनिधि स्वामी अभिषेक जी महाराज ने पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के सभी भाई बहनों के साथ चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी में सुबह योगाभ्यास किया और इसके बाद बैठक कर योग विद्या को घर घर जन जन तक पहुँचाने की रणनीति तैयार की गयी। स्वामी अभिषेक जी महाराज ने बताया कि योग गुरु बाबा रामदेव जी ने पूरे देश में योग की कक्षाओं को विधिवत संचालित कर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की क्षमता विकसित करने की पुरजोर अपील की है। कहा कि योग करने से शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ऐसी दशा में योग स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। बैठक में न जून माह में 21 जून को प्रशासन के साथ योग दिवस मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया। इसके पहले सह योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर नए योग प्रशिक्षक तैयार करने की भी रणनीति बनाई गई। वहीं उन्होंने बताया कि तहसील और जिला स्तर पर स्वामी अभिषेक जी महाराज की मौजूदगी में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी भाई बहनों को योगाभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर स्वामी अभिषेक जी के साथ राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश सजल कुमार रेंडर, राजीव कुमार जिले के योग गुरु नरेंद्र चंद्रवंशी, मंजू केसरवानी, हेमंत प्रताप सिंह, अरविंद शिवहरे, रामबाबू गुप्ता, हरिओम जायसवाल, डॉक्टर राधेश्याम सिंह, मुन्ना लाल सिंह, आलोक हरे, शंकर प्रसाद यादव, विनेश कुमार पटेल, रामचंद्र राम बहादुर सिंह, सत्यनारायण, विनय कुमार सिंह, शुभम कुमार, बाबूलाल सिंह, पवन कुमार प्रजापति, अरविंद मिश्रा, राजीव श्रीवास्तव, निर्मला देवी, अनीता सिंह, मीरा श्रीवास्तव, अंशु सोनी, मनीषा केसरवानी, सरिता अग्रवाल, लालमणि गुप्ता आदि मौजूद रहे। ओम प्रणाम। इस कोरोना काल के जो भीषण काल चल रहा है और पिछले दिनों में कोरोना बहुत ही वैश्विक स्तर पर अपना असर डाला है, परंतु अब इस कोरोना काल का समय समाप्त हो चुका है और सभी योग साधक योग शिक्षक भाई बहनों को और जितने भी दुनिया में योग करने वाले भाई बहन हैं उन सबको पुनः योग को, आयुर्वेद को और स्वदेशी को प्रचार प्रसार उसको आगे बढ़ाएं। और मैं इस समय आज चित्रकूट मंडल में हूं, जो अपने संगठन भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान समिति, सोशल मीडिया प्रभारी, महिला पतंजलि योग समिति, इन समितियों में निरंतर प्रवास करके सभी को पुनः योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर और योग कक्षाएं जो हमारी निरंतर सैकड़ों की संख्या में लग रही थी, उन कक्षाओं को पुनः गति देना, गति प्रदान करना और जो भी भाई बहन शिथिल हो चुके थे उनको पुनः कार्यरत होने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें और इस बीमारी से लड़ने के लिए योग करें। आयुर्वेद का आप सभी आयुर्वेद के माध्यम से सारी बीमारियों का जो जड़ है उसको समाप्त करें। और मैं भी निरंतर प्रवास कर रहा हूं, अगले सत्र में 2-3 महीने बाद हर तहसील में, चित्रकूट मंडल के हर तहसील में 3-3 दिन का शिविर लगाएंगे और सबको डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बाल का झड़ना या शरीर में किसी भी प्रकार का जो रोग हो उन सभी रोगों को हम नष्ट करेंगे, ध्वस्त करेंगे और सभी को, पूरे चित्रकूट को योगमय बनाएंगे। ये पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य आचार्य श्रद्धेय हमारे, इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन जो हमें इस कार्यक्षेत्र से जोड़े, इस मार्ग से जोड़े और पूरे चित्रकूट को मैं पतंजलि योगपीठ समिति की तरफ से, पतंजलि योगपीठ की तरफ से प्रणाम, चरण वंदन, ओम।